अंडरग्राउंड मैजिकल मनीवेल। माँ के मरने के बाद मीनल और सोनू की जिम्मेदारी संतोष पर आती है, पर संतोष तो हमेशा बच्चों से दूर रहता था, मीनल ही सोनू का ध्यान रखती थी। ऐसे में एक बार सोनू को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, तब संतोष नशे के हालत में घर आता है। उसे देख मीनल कहती है, पिताजी देखिए ना, सोनू को कितना बुखार आया है, आप जल्दी ही इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। अरे घर आया नहीं कि तुम्हारी बकबक शुरू हो जाती है, तुम दोनों की वजह से घर में आने का मेरा मन ही नहीं करता। और हाँ, बुखार है, थोड़ी देर में उतर जाएगा, इसमें इतना टेंशन की क्या बात है, चलो जाओ अपना काम करो। संतोष इस तरह कहकर मीनल को चुप करा के सो जाता है। बेचारी मीनल अपने छोटे भाई के लिए परेशान हो जाती है। सोनू को हाथ लगाकर देखती है तो उसका बुखार और भी बढ़ गया था। ये देख वो सोचती है, बाप रे, सोनू का तो बुखार और भी चढ़ रहा है, अभी तो पिताजी कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं ही बाजार से बुखार की दवा लाती हूँ। ये सोचकर मीनल दवा का इंतजाम करने बाजार जाती है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण उसे दवा देने से दुकानदार मना कर देता है। बेचारी बाजार में वो अकेली घूम रही थी, तभी उस पर दिनेश की नजर जाती है। वो मीनल के पास जाकर उससे पूछताछ करता है, अच्छा तो तुम्हें दवा चाहिए, तुम ना मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर को ही लेकर चलते हैं तुम्हारे भाई के पास। मीनल भी ये सुनते ही दिनेश के साथ चली जाती है। दरअसल दिनेश एक तांत्रिक था, उसे उसकी पूजा संपन्न करने के लिए किसी लड़की की बलि देनी थी, इसलिए वो मीनल को अपने साथ लेकर जंगल जाता है। पर थोड़ी ही देर में मीनल को उस पर संदेह होता है। मीनल अपने हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, तब दिनेश कहता है, अरे ऐसे फड़फड़ाना बंद कर दो, अब तो तुम्हारी बलि देकर ही हमारी पूजा संपन्न होने वाली है और मुझे खजाना मिलने वाला है। तब मीनल उसके हाथ को जोर से काट लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो एक अंडरग्राउंड में गिर जाती है। मीनल को वहां एक बूढ़ी औरत बैठी मिलती है, जो मीनल से कहती है, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, बहुत भूख लग रही है बेटा, मुझे कुछ खाना बना कर दे दो। दादी माँ, आप यहाँ ऐसे अंडरग्राउंड में क्या कर रही हो, उधर मेरा भाई बहुत बीमार है, मुझे अभी जाने दो दादी माँ। इस तरह से मीनल उस बूढ़ी औरत के सामने बड़ी विनती करती है, पर फिर भी उस औरत की भूखी सूरत देखकर मीनल उसके लिए खाना पका कर देती है। वो औरत खाना खाते ही संतुष्ट हो जाती है। फिर मीनल को अंडरग्राउंड कुएं से पानी लाने के लिए वो कहती है। मीनल उस कुएं से पानी निकालती है, पर जैसे ही वो पानी कुएं से बाहर आता है तब वो पैसों में बदल जाता है। ये देख मीनल कहती है, दादी माँ देखो तो पानी कैसे पैसों में बदल गया है, अब मैं आपको कैसे पानी ला के दूं, आप एक काम करो, आप चलो मेरे साथ मेरे घर। तब वो बूढ़ी औरत हंसते हुए अचानक से एक देवी में बदल जाती है और कहती है, बेटा तुम बहुत ही मासूम और सच्ची हो, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए तुम इस अंडरग्राउंड कुएं से ले सकती हो। ऐसा कहकर वो देवी गायब हो जाती है। मीनल कुएं से पानी निकाल कर पैसे जमा करती रहती है कि तभी वहां दिनेश आता है। अंडरग्राउंड का खजाना देखकर वो कहता है, अरे मैं तो कब से इसी खजाने की तलाश कर रहा था, लेकिन चलो आज तुम्हारी वजह से यह खजाना मेरे हाथ लग ही गया। दिनेश के मन में लालच था, इसलिए जब वो कुएं से पानी निकालने जाता है तो किसी अंदरूनी शक्ति की वजह से वो कुएं में गिर जाता है और वही फंसा हुआ रहता है। तब मीनल पैसे लेकर घर वापस आती है। उधर उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। संतोष कहता है, अरे बेटा मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, देखो मैंने सोनू को दवा दे दी है, बेटा मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हें कुछ पल के लिए ना पाकर मैं पागल हो गया था बेटा, तुम ठीक तो हो ना। इस तरह से संतोष अपने दोनों बच्चों को गले लगाता है। तब मीनल उसे पैसे देते हुए सारी बात बताती है। संतोष उन पैसों से नया खेत खरीद कर उससे खेती करना शुरू करता है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट। बीजापुर नाम के गांव में सोडी नाम का एक आदमी खाना बनाने का बहुत शौकीन रहता है, जिस वजह से वो बहुत सोचता है और एक रेस्टोरेंट डालने की ठान लेता है। वो गांव से लगे हुए नेशनल हाईवे पर एक जगह खरीदता है और वहां पर रेस्टोरेंट खोलता है।
वो अपने रेस्टोरेंट को अच्छी तरह से सजाता है और उसका उद्घाटन गांव के स्कूल हेडमास्टर से करवाता है। मेरे इस रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए गांव वालों ने जो सहयोग किया है, मैं उसके लिए आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा। हाँ बेटा, लेकिन कुछ पार्टी दोगे या फिर सूखे सूखे ही भेज दोगे हमें? खाना तैयार है हेडमास्टर जी, आइए। सोढ़ी गांव वालों को खाना खिलाता है और उस दिन से सोढ़ी का रेस्टोरेंट शुरू होता है। रेस्टोरेंट हाईवे पर होने के कारण सफर करने वाले यात्री रेस्टोरेंट पर रुककर खाना खाकर फ्रेश होने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक किसी बीमारी के चलते पूरे देश में लोगों को घरों से बाहर निकलना बंद होता है, जिस वजह से बाजार और सब बंद करना पड़ता है। सोढ़ी को भी अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। लगातार कुछ महीने बंद रखने के बाद कुछ सेवाएं शुरू करने की इजाजत सरकार देती है, जिसमें सोढ़ी को भी रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल सर्विस शुरू करने की इजाजत मिलती है। लेकिन पार्सल सेवा शुरू करके उसकी कमाई ठीक से नहीं हो पाती। इसी चिंता में सोढ़ी बैठकर एक दिन सोचता रहता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है। अरे सोढ़ी, इतनी चिंता में क्यों है तू? अरे क्या करूं, पार्सल सर्विस से कमाई नहीं हो पा रही है और रेस्टोरेंट शुरू किया तो पुलिस आकर बहुत मारेगी, साथ में हमेशा के लिए रेस्टोरेंट को भी बंद कर देगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू कहे तो बताता हूँ। हाँ हाँ बता मुझे। सोढ़ी का दोस्त उसके कान में धीरे से आइडिया बताता है। सोढ़ी उसे सुनता है और वो वैसा ही करता है। वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के अंडरग्राउंड में जाता है। वहां पर काफी खाली जगह होती है। सोढ़ी ऊपर पार्सल सर्विस दिखाकर नीचे में चुपके से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट शुरू करता है, जिस वजह से वहां पर खाना खाने के लिए आने वाले लोगों को सोढ़ी चुपके से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट में भेज देता है। इस तरह से सोढ़ी अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट चलाने लगता है। लेकिन एक दिन रेस्टोरेंट पर काफी सारी गाड़ियां देखकर पुलिस उसके रेस्टोरेंट पर आती है और सोढ़ी को पूछती है, अरे ये क्या, इतनी सारी गाड़ियां यहां कैसे? क्या तुमने रेस्टोरेंट शुरू किया है? जी नहीं सर, ये तो पार्सल लेने के लिए आई हुई गाड़ियां है। यहां मैंने कोई रेस्टोरेंट शुरू नहीं किया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? बहुत डंडे पड़ेंगे। आपको यकीन नहीं है सर, तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। सोढ़ी इंस्पेक्टर को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। जाते जाते धीरे से फोन करके अपने दोस्त को बता देता है और वो दोस्त अंडरग्राउंड में सबको शांत रहने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर इंस्पेक्टर को कुछ नहीं दिखता। वो देखता है कि रेस्टोरेंट की कुर्सियां टेबल पर उल्टी रखी हुई है। ये देखकर वो कहता है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। जी सर, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सोढ़ी बड़े ही चालाकी से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट शुरू रखता है और पैसे कमाता है।